नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बन रहे बौद्ध मंदिर की चर्चा की। सूत्रों की माने तो कई जगहों पे ये बातें फैल रही हैं कि पाकिस्तान में एक बौद्ध स्थान या एक बौद्ध मंदिर बनने वाला है। ये बातें कहाँ तक सच हैं? कई जगहों पे लोगों ने ये प्रमाणित किया है कि बौद्ध मंदिर सच में पाकिस्तान में बन रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को काफ़ी फायदा होगा और कई जो बौद्ध के धर्म के रिलेटिव लोग हैं वो उसे देखने पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक और इकोनॉमिक सिस्टम को काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान जो सभी धर्मों को समान मानता है, लेकिन वहाँ पे हर जगहों पर कई विवाद हैं, कई जगहों पर वह खड़ा नहीं उतर रहा है, वहाँ पे कई परेशानियाँ भी आ रही हैं, लेकिन वो फिर ये मंदिर बनवा के क्या जताना चाह रहे हैं? पाकिस्तान का कहना है कि हमारे ही देश में कई जगहों पे बौद्ध की सबसे ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ पाई गई हैं। 1928 में सबसे पहली मूर्ति जो पाई गई थी पाकिस्तान में, वो करीबन 88 मीटर लंबी हैगी, जिसको देखने के लिए कई बौद्ध भिक्षु वहाँ पाकिस्तान में आते हैं, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी सही हो रही है। इसीलिए शायद पाकिस्तान ने वहाँ पे एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए कहा। साथ ही ये जो मूर्तियाँ मिली हैं सभी की सभी बहुत ही पुरानी और तीसरी सदी की हैं, तीसरी सदी से जुड़ी हुई मानी जा रही हैं और ये कम से कम 1700 वर्ष पुरानी मूर्तियों होने का दावा किया जा रहा है। कई लोगों पे, कई जगहों पे इन मूर्तियों को देखने की चर्चा भी काफ़ी हलचल मचा रही है। लोग इसे इन्हें देखने के लिए काफ़ी दूर से आ रहे हैं और पाकिस्तान में यही नहीं, और भी कई जगहों पे भगवान बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे कि पाकिस्तान को एक बौद्ध स्थानक माना जा रहा है। लेकिन ये कितना सच है? क्या बौद्ध भगवान पाकिस्तान में गए थे? क्या वहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी रहे होंगे? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से ही जुड़ा था, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भगवान बौद्ध का ही धम्म स्थान हो, जिसे बाद में दबा दिया गया हो, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, जो हमारे सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के बनने से पहले हो सकता है वहाँ कोई ऐसा स्थानक हो। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ हमेशा वहीं पाई जाती हैं या फिर ये धरती के नीचे घूमती रहती हैं। कहते हैं कि धरती के नीचे दबी हुई कुछ चीजें धरतियों के नीचे से ही घूमती रहती हैं, जैसे कि सोना। तो हो सकता है ये मूर्तियाँ भी कहीं घूम घूम कर ही आई हों, क्योंकि पाकिस्तान की पाक जमीन पे इतनी ऐसी चीज़ों का मिलना भी एक शुभ काम हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।